कहानी की शुरुआत में हमें कुछ कैंपर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम था टीपी, बेट्सी, एली, डेव, स्टेसी, बिल और हेड काउंसलर मैक्स। मैक्स उन सबको एक कहानी सुनाता है। ये कहानी एक फार्मर के बारे में थी जो कि बहुत ही बुरा था। वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बहुत ही बुरे तरीके से पेश आता था और एक रात फार्मर पागल हो गया और बिना किसी वजह अपनी वाइफ को उसने एक्स से छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और फिर उसने अपने बेटे और बेटी को भी मार दिया। फिर वो नॉर्मल लोगों की तरह रहने लग गया। पर थोड़ी ही दिनों में टाउन के लोगों को जब उसके कारनामों के बारे में पता चला तो 10 लोगों ने उसको पकड़ा और एक पेड़ की रस्सी में फांसी से लटका दिया और उसके सर पर एक्स से वार भी किया। लोगों ने उसको वहां पे ये सोच के लटकाया कि वो मर जाएगा, पर अगली सुबह उसकी लाश वहां से गायब थी। और फिर टाउन के लोगों को पता चला कि उसकी वाइफ और बच्चों की बॉडीज मिसिंग है और वो उनको कभी नहीं मिले। एक बच्चा रिची इस चीज को बहुत ही लाइटली लेता है और मैक्स से फार्मर का नाम पूछता है। मैक्स तब सबको ये बताता है कि अगर उसका नाम किसी ने जोर से लिया तो वो आपको सुन लेगा और वो हमेशा जंगल में घूमता रहता है ताकि वो किसी को मार सके। मैक्स आखिर में उसका नाम विस्पर करके बोल ही देता है, मैडमैन मार्स। और रिची मार्स के पुराने घर में पत्थर फेंक के उसको जोर जोर से बुलाता है और मैक्स मार्स से माफी मांगता है और उनके पीछे आने से मना कर देता है। मैक्स की कहानी से सब डर चुके थे, इसलिए वो सबको शांत करके आखिरी गुड बाय बोल के वहाँ से सबको एक साथ जाने को बोलता है और मना करता है कि कोई भी जंगल में से होके ना जाए। वहाँ पे हम बेट्सी और टीपी के बीच में कुछ बातें होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। रिची के जाते समय हमको एक मैडमैन पेड़ से उतरता हुआ दिखता है और वो झाड़ियों के बीच में से उसको फॉलो करने लगता है। रिची मैडमैन के पुराने घर में जाता है और वहाँ पे हमें मैडमैन बेसमेंट में एक कैंडल को बुझाता हुआ दिखता है। रिची सेकंड फ्लोर में जाता है और मैडमैन बेसमेंट से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ कैंप फायर की जगह से सब अपने कैबिन्स में आ चुके थे। यहाँ स्टेसी और बेट्सी दोनों थोड़ी बातें करते हैं। हमें डिपी दिखता है जिसको स्टेसी उठा देती है और फिर वो घर के अंदर जाता है, एक दरवाजा खोलता है और उस दरवाजे के पीछे मैडमैन छुपा होता है। वो डीपी के गले को काट के उसको मार देता है और उसकी लाश को कहीं पे ले जाता है। रिची दूसरी तरफ मैडमैन के घर के एटिक में था और वहाँ पे उसको किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिससे रिची वहाँ पर जाता है। मैडमैन इसी बीच डीपी की बॉडी को कहीं पे रख के एक फांसी का फंदा लेकर कहीं पे भागता है, जिसको रिची देख के उसको फॉलो करने लगता है। कैंप के आखिरी दिन के लिए सारे एडल्ट्स एक साथ बैठ के टोस्ट करते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने सस्ती वाली वाइन के साथ टोस्ट किया, लेकिन अगर इनको कैश करो ऐप के बारे में पता होता तो ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन रिचार्ज या शॉपिंग के लिए अमेज़न, मिंत्रा या आजियो जैसी साइट्स का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, लेकिन वहाँ डायरेक्ट जाने के बजाय आप कैश करो यूज कीजिए ताकि आपको डिस्काउंट के ऊपर कैशबैक अलग से मिलेगा। इससे होगा ये कि आप इंडिया का सबसे बड़ा कैशबैक ऐप कैश करो यूज करेंगे, जिसके जरिए आपको ढेर सारे कैशबैक्स और रिवॉर्ड्स मिलेंगे और ये रियल कैश है जिसको आप अपने बैंक में जमा भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस ऐप में अमेज़न, मिंत्रा, आजियो जैसी 1500 से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं और इस ऐप की फंडिंग खुद मिस्टर रतन टाटा ने की है, तो ये काफी रिलायबल भी है और इसको इस्तेमाल करना भी काफी इजी है। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको मुफ्त के 25 रुपए मिलेंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके मेरा कोड SCARY25 यूज कीजिए, तब भी आपको 25 रुपए का बोनस मिलेगा। फिर आप किसी भी वेबसाइट को सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने अमेज़न सेलेक्ट किया, फिर ऑरेंज बटन प्रेस कीजिए और आप अमेज़न पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। नॉर्मली शॉपिंग कीजिए, पेमेंट कीजिए, सक्सेसफुल ऑर्डर होते ही माई अर्निंग सेक्शन में आप चेक करिए तो आपको कैशबैक मिल चुका होगा, जिसको आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर अमेज़न वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप को डाउनलोड कीजिए, कम से कम पॉकेट मनी का तो खर्चा निकलेगा ही। मैक्स के जंगल जाने के बाद टीपी सबसे बेट्सी से लड़ने के लिए माफी मांगता है और फिर बेट्सी और टीपी बाथटब में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और उनको मैडमैन देख लेता है।
यहाँ पर मैडमैन उनके ऊपर नजर रखता है। रिची अभी भी जंगल में मैडमैन के पीछे घूम रहा था और फिर वो गुम हो जाता है। स्टेसी जो बाहर अकेली बोट में बैठी थी वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, पर वो बार बार फिसल रही थी। इससे पहले मैडमैन उसको पकड़ पाता वो वहाँ से निकल जाती है और फिर वो बिल और बाकियों के साथ फायर प्लेस के पास बैठी होती है। डेव वहाँ पे बैठ के सबके सामने एक्ट करता है और उन्हें डराता है। टीपी को पता चल जाता है कि रिची कैबिन में नहीं है, तो वो बेट्सी को कैबिन में जागते रहने के लिए बोलता है और अकेले ही रिची को ढूंढने के लिए चला जाता है। बेट्सी को वहाँ पे मैडमैन का शो दिखता है और बेट्सी टीपी को बुलाती है, पर फिर उसको वो वहम मानकर टीपी को जाने के लिए बोलती है। टीपी जंगल में अकेले जाता है और रिची को पुकारने लगता है। टॉर्च को जंगल में घुमाने के दौरान उसको मैडमैन दिखता है, पर अगले ही सेकंड वो वहाँ पे नहीं था। वो मैडमैन को रिची समझ लेता है और उसे लगता है कि रिची कोई मजाक कर रहा है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे एक बदबू आने लगती है और फिर मैडमैन उस पे फांसी का फंदा फेंक के उसे खींच के एक पेड़ से लटकाता है, पर टीपी पेड़ की टहनी को पकड़ के फिर से बच जाता है, लेकिन मैडमैन आके उसको नीचे खींच के टीपी को मार देता है। बेट्सी स्टेसी और डेव के पास जाती है और उस शैडो के बारे में बताती है, क्योंकि अभी तक टीपी वापस नहीं आया था और उसे बहुत डर भी लग रहा था। अब डेव वहाँ से टीपी को ढूंढने के लिए चला जाता है। मैडमैन एक एक्स को वहाँ से बहुत मुश्किल से निकाल के डेव के पीछे चल देता है। वो कैंप फायर के पास आके टीपी और रिची को चीख चीख के बुलाने लगता है और फिर उसको टीपी का टॉर्च मिल जाता है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ जाता है और फिर वो टीपी की डेड बॉडी से टकरा जाता है, जो कि उसी के ऊपर गिर जाती है। वो जान जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। मैडमैन उसको ढूंढ लेता है और उसके ऊपर हमला करता है और थोड़ी देर बाद वो भी मारा जाता है। बेट्सी को स्टेसी ऑफिस में शिफ्ट करके एली और बिल को कैंप वापस आने के लिए बोलती है। स्टेसी को मैडमैन फॉलो करता है और बेट्सी कार ठीक करके जैसे ही मैडमैन उसको मारने ही वाला था वहाँ से चली जाती है। एली और बिल दोनों बेट्सी के साथ ऑफिस में थे और दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डेव को जंगल में ढूंढने के लिए जाएंगे, जिसके बाद बेट्सी उनको टॉर्च दे के संभल के जाने के लिए बोलती है। स्टेसी जंगल में डेव, टीपी और रिची को ढूंढ रही थी और मैडमैन उसे फॉलो कर रहा होता है। स्टेसी को डेव का लैंप मिल जाता है और फिर डेव की लाश भी। पहले तो स्टेसी को ये लगता है कि डेव बेहोश हो गया है। जब वो उसे उठाती है तो वो ये देखती है कि उसकी सर कटी हुई बॉडी थी, जिसको मैडमैन खींच के ले जाता है। स्टेसी डर के मारे भाग के अपनी कार के पास आ जाती है। वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर कार स्टार्ट नहीं होती और वो बाहर जाके कार के इंजन को ठीक करती है। और इसी बीच स्टेसी इंजन का कवर खोलती है और मैडमैन उसी कवर के ऊपर कूद जाता है, जिसकी वजह से स्टेसी की मौत हो जाती है। मीनवाइल एली और बिल कैंप फायर की तरफ अलग अलग रास्ते से जाते हैं और बिल को टीपी की रस्सी मिल जाती है। दूसरी तरफ एली को मैडमैन स्टेसी के कटे हुए बॉडी के पास दिख जाता है और वो चीख के वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी टक्कर बिल से हो जाती है और वो ये सब बिल को बताती है और बिल उसको वापस वहाँ देख कर आने को बोलता है और उनको वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। वो दोनों स्टेसी के कार में चढ़ते हैं और फिर कार के इंजन से कुछ कुचलने की आवाज आती है और कार नहीं चल पाती। स्टेसी के सर को बिल और एली इंजन से निकालते हैं और फिर कार स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से निकल पाते, बिल को मैडमैन खींच लेता है और एली कार से नीचे गिर जाती है। मैडमैन बिल को पकड़ के उसकी हड्डियाँ तोड़ देता है और उसकी लाश को खींच के कहीं पे ले जाता है। रिची को मैडमैन की लाश खींच के ले जाने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो मैडमैन के घर में वापस आ जाता है। मैडमैन अपनी सारी लाशें अपनी बेसमेंट में रखा हुआ था। रिची ये देखता है कि मैडमैन वहाँ से जा चुका है, तो वो मैडमैन के घर के अंदर चला जाता है और जाते ही उसको बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। अंदर जाने के बाद उसको मैडमैन के कारनामों का एक बहुत ही डरावना सीन दिखता है। उसको बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और वहाँ पे मैडमैन ने अपने विक्टिम्स की लाशें रखी हुई थी। अब एली डर के मारे भागते हुए ऑफिस में आती है और बेट्सी को ढूंढने लगती है और फिर एक कैबिन में जाके छुप जाती है। एली किचन में आती है और फिर दरवाजा खुलने की आवाज आती है। डर के मारे जब वो देखने जाती है, मैडमैन उसके पीछे ही होता है। दरवाजे के सामने डर के मारे एली फ्रिज से सारा सामान निकालती है और वहीं पे छुप जाती है। जब उसे आवाज आना बंद हो जाती है, वो बाहर आ जाती है।
अब एली को लगता है कि मैडमैन जा चुका है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी उसको मैडमैन आकर मार देता है। बेट्सी दूसरी तरफ बच्चों को चेक करके ऑफिस लौट ही रही होती है कि उसको एली की लाश दिखती है। वो भाग के बिना कोई आवाज किए ऑफिस जाती है और मैक्स को कॉल करके बुलाती है। बेट्सी मैडमैन को घूमते हुए देखती है और एक राइफल रेडी करती है और कुछ बुलेट्स को अपने पास भी रख लेती है। अब मैडमैन बच्चों के रूम के पास होके गुजरता है, जिसकी वजह से एक बच्चा जाग जाता है। बेट्सी बड़ी खामोशी के साथ राइफल लेकर फायरप्लेस के पास आ जाती है, जहाँ पे मैडमैन स्टेसी की शक्ल एक डोर पे लगा देता है और बेट्सी उसको शूट कर देती है। गनशॉट की आवाज सुन के बच्चे जाग जाते हैं। बेट्सी बच्चों के रूम में जाके बच्चों को बस के पास लेकर जाती है और खुद बस को चलाने लगती है। मैडमैन बस के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर बेट्सी जैसे तैसे उसको अवॉइड करके आगे बढ़ जाती है, पर वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए। मैडमैन बस के सामने आ जाता है और फिर बस खराब हो जाती है। बेट्सी मैडमैन के हाथ को मार मार के उसको अंदर घुसने से रोक देती है, पर मैडमैन एली को लेकर कहीं पे जाता है और बेट्सी एक बच्चे को बस को पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए बोलती है। बेट्सी मैडमैन के पीछे जाने लगती है और फिर वो मैडमैन के पुराने घर में पहुंच जाती है। वहां पे बेट्सी शॉटगन निकाल के घर की तरफ ध्यान से बढ़ती है और घर का दरवाजा खोलती है, जिसके बाद मैडमैन उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो उसको घसीट कर बेसमेंट में ले जाता है और बेट्सी को कोट रैक में घुसा देता है। बेट्सी मौका देख के मैडमैन को चाकू से स्टैब कर देती है, जिसकी वजह से उसके हाथों से एक कैंडल गिर जाता है और फिर पूरे घर में आग लग जाती है। मैडमैन उस घर से निकल जाता है और जंगल में जाकर गायब हो जाता है। मैक्स कैम्प की तरफ तेजी से ड्राइव करके जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में रिची दिखता है और वो बहुत ही डरा हुआ था। मैक्स कार से बाहर आके रिची से पूछता है कि ये क्या हुआ, और रिची बोलता है कि मैडमैन रियल है, और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। कहानी कुछ कैंपर्स के बारे में है जो कि कैंपिंग करने गए थे। वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, उनमें से एक सीनियर काउंसलर ने उनको डराने के लिए कहानी सुनाई जो कि मैडमैन के बारे में थी, जो कि बहुत ही बुरा आदमी था। एक दिन मैडमैन ने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, जिसके बाद जब विलेजर्स को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मैडमैन को पकड़ा और लटका दिया। अगले दिन वो लोग ये सोच रहे थे कि मैडमैन अब मर चुका होगा, पर मैडमैन की बॉडी नहीं थी और रस्सी भी कटी हुई थी। मैडमैन के बच्चों और पत्नी की बॉडी भी विलेजर्स को नहीं मिली, जिसके बाद मैडमैन जंगल में घूमता रहा। जो भी मैडमैन को पुकारता है, मैडमैन उसको मार देता है। उन बच्चों में से एक बच्चा रिची, जिसको इस कहानी पे भरोसा नहीं था, वो मैडमैन को बुलाता है, और फिर जब वो लोग जा रहे थे वो मैडमैन को देखता भी है और उसको फॉलो करते करते गुम हो जाता है। अब रिची की एब्सेंस लोग नोटिस करते हैं और टीपी पहले रिची को ढूंढने के लिए जाता है, जिसको मैडमैन मार देता है। धीरे धीरे मैडमैन सबको मार देता है सिवाय बच्चों के, क्योंकि बच्चों को बेट्सी ने कैंप के बाहर भेज दिया था। आखिर में बस रिची बचता है, जो कि जिंदा था और शॉक में था कि मैडमैन असली है। और सबसे बड़ी बात, मैडमैन के सारे विक्टिम्स जल के राख हो चुके थे, क्योंकि मैडमैन के पूरे घर के बेसमेंट में आग लग चुकी थी और वो वहीं पे अपने सारे विक्टिम्स की लाश रखा करता था। तो दोस्तों, ये थी मैडमैन मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको फिर से कैश करो ऐप के बारे में याद दिलाना चाहती हूँ, जो कि आपको शॉपिंग पे लिटरली फ्री मनी दे रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड SCARY25 इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और कमेंट कर भी मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।